तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। आज ये रसायन विज्ञान का पहला पार्ट होगा, पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। अगर आप लोग चाहें तो आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? तो कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो एक ही परमाणु का निम्न में से मिलता है प्राकृत तत्व। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यौगिक। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनुपात में मिलता है, बनता है मिश्रण। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उपधातु। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो कमेंट करके आंसर दें। तो देखिए, धातु में चमक जो चमक पाई जाती है वो ग्रेफाइट में भी पाई जाती है और आयोडीन में भी पाई जाती है, यानी कि उपयुक्त दोनों में पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो देखिए, उपधातु आर्सेनिक भी हैं, एंटीमनी भी हैं और बिस्मथ भी, यानी कि इनमें से ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा, इनमें कौन सा एक यौगिक होगा? तो अमोनिया एक यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि? बताइए आंसर क्या होगा। क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, आपको इसमें सुमेलित करना है, आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? बताइए आंसर क्या होगा। तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, तो वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु, जो कि तत्व है ना ही यौगिक है। नेक्स्ट, कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा रेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक है यौगिक। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, बारूद होता है, तो बताइए बारूद क्या होता है? तो बारूद होता है एक मिश्रण। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, कोयला है, तो कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, हीरा है, तो हीरा क्या है? तो हीरा भी एक तत्व है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो दोस्तों, ये सर्वप्रथम कहा था कणाद ने। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा है, ओजोन है, वायु है या अमोनिया है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। अमोनिया आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से जो यौगिक होगा वो अमोनिया होगा,
ये क्वेश्चन आरआरबी टीसी 2004 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो हीरा एक तत्व है। ये क्वेश्चन आरआरबी एसएम में और सीजी में 2003 2008 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, वायु निम्नलिखित में से क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो मिश्रण है, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमोनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिश्रण है, दूध है, इस्पात है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात, आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट है, शुद्ध तत्व तो कौन सा है, कांच है, सीमेंट है, सोडियम है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो सोडियम आंसर हो जाएगा सी इसका। तो दोस्तों ये थे रसायन विज्ञान के कुल 25 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।